जय हिंद, जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे व्हाट हैव वी डिस्कस, यानी कि ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है, यानी अब तक हमने क्या पढ़ा है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइप वी कॉमनली यूज द मेथड ऑफ टेकिंग डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज। यानी कि सबसे पहले हमने रेशियो पढ़ा था, उसमें क्या करते थे, क्वांटिटीज को कंपेयर करते थे। सेम क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए जो मेथड यूज करते थे, एक तरीका उसमें क्या रहता था, डिफरेंस रहता था, माइनस करके चीजों को उनकी क्वांटिटीज को कंपेयर करते थे। इन मेनी सिचुएशंस अ मोर मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज इज मेड बाय यूजिंग डिवीजन। और जब ज्यादा मीनिंगफुल कंपैरिजन करना होता था, जब सिचुएशन मतलब जो नंबर में बहुत ज्यादा अंतर होता था उनमें, तो उसके लिए मेथड था डिवीजन का, डिवाइड करना ज्यादा बेहतर तरीका होता था। ठीक है, वाई सी हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज टू द अदर क्वांटिटी, दिस मेथड इज नोन एज द कंपैरिजन बाय रेशियो। तो जहाँ डिवीजन के द्वारा कंपैरिजन किया जाता था उसको हम क्या कहते थे, रेशियो कहते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईशा वेट, तो जैसे हमने पढ़ा था शुरुआत में कि ईशा का वजन है 25 kg, उसके पिता का वजन है 75 kg, तो वी से दैट ईशास फादर वेट एंड ईशा वेट आर इन द रेशियो 3:1। यानी कि ईशा के फादर का रेशियो, पिताजी का वजन कितना है, 3 गुना है ईशा से, तो उसको हमने क्या पढ़ा, 3:1। फॉर कंपेरिजन वाई रेशियो द टू क्वांटिटीज मस्ट बी इन द सेम यूनिट। और रेशियो में क्या करना होता था, जो दो क्वांटिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, यूनिट अलग नहीं होना चाहिए। इफ दे आर नॉट, दे शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट बिफोर द रेशियो इज टेकन। आप देखते हो कि यदि वो सेम यूनिट में नहीं है तो उनको सेम यूनिट में कर लो रेशियो निकालने से पहले। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है द सेम रेशियो में अकर इन डिफरेंट सिचुएशन। और जो रेशियो था इस तरह, ये और भी बहुत सारी सिचुएशन थी उनमें भी वही सेम निकलता था। ठीक है, नोट दैट द रेशियो 3:2 इज डिफरेंट फ्रॉम 2:3, दस द ऑर्डर इन विच क्वांटिटीज आर टेकन टू एक्सप्रेस देयर रेशियो इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे जैसे रेशियो 2:3 है ये, और ये 3:2 है, तो यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था ना, लिजर्ड और क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल लिया था ना, तो लिजर्ड की अपेक्षा क्रोकोडाइल की लंबाई और क्रोकोडाइल की अपेक्षा लिजर्ड की लंबाई। ठीक है, तो रेशियो जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें जो रेशियो रहता है, नंबर छोटा बड़ा बहुत मैटर करता है। ठीक है, पूरा मीनिंग बदल जाता है। अ रेशियो मे बी ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शन, तो रेशियो को फ्रैक्शन की तरह लिखते ही है ना, दस द रेशियो 3:3 में भी ट्रीटेड एज 10:3। तो जो रेशियो है 10:3, इसको हम 10:3 भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से ट्रीट किया जाता है। टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट इफ द फ्रैक्शन करेस्पॉन्डिंग टू देम आर इक्विवेलेंट, दस 3:2 इज इक्विवेलेंट 6:4 और 12:8। तो 2 रेशियो इक्वल हो सकते हैं, तो मान लो ये क्या है, अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, इसको यदि हम डिवाइड करें 3:2 = 6, 2:2 = 4, तो ये भी 3:2 बन गया है ना, 4:3 = 12, 4 से डिवाइड करें 4:3 = 12 और 4:2 = 8, तो यहाँ भी 3:2 आ गया। तो ये क्या है, ये क्या है, ये रेशियो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अ रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू लोएस्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 50:15 इज ट्रीटेड एज 50:15 इन इट्स लोएस्ट फॉर्म 10:3। हेंस द लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो 50:15 इज 10:3। तो ये इनका लोएस्ट फॉर्म होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बड़े फॉर्म में और छोटे फॉर्म में, दोनों तरीके से। फॉर क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्वांटिटीज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ क्वांटिटीज। दस 3:10, 15:50 आर इन प्रपोर्शन। तो ये प्रपोर्शन में है या नहीं इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3:10 और 15:50, तो इसको भी डिवाइड करेंगे, 3:5 = 15 और ये वी इंडिकेट द प्रपोर्शन 3:10 और ये प्रपोर्शन का निशान है 4 बिंदु। 15:50 इट इज रीड एज 3:10 एज 15:50 इन द
above proportion 3 and 50 are the extreme terms and 10 and 15 are middle term. तो एक्चुअली हमने ये एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म पढ़ा था, समझा था, तो वो प्रपोर्शन में पढ़ा था कि यदि जैसे ये क्या है एक्सट्रीम टर्म है और ये दोनों मिडिल टर्म है, तो ये दोनों रेशियो इन दोनों का जो रेशियो है ना वो प्रपोर्शन में है या नहीं उसको जांचने के लिए हम क्या करते थे, जो एक्सट्रीम टर्म होती थी उनका मल्टीप्लाई करते थे, मिडिल टर्म होती थी उनका मल्टीप्लाई करते थे। दोनों का यदि बराबर आ गया इसका मतलब ये रेशियो प्रपोर्शन में है, ठीक है। ये दूसरा तरीका था। और पहला तरीका क्या था, पहला तरीका था डिवाइड करके देखना, लोवेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे वो तो सेम आ गए तो सेम है ना। द ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन द प्रपोर्शन इज इम्पोर्टेंट, 3, 10, 15 and 50 आर इन प्रपोर्शन, बट 3, 10, 50 and 50 आर नॉट, सिंस 3/10 इज नॉट इक्वल 50/15, ठीक है। तो ये क्या था, 3/10, 15/50 प्रपोर्शन में है लेकिन 3/10 और 15/50 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे इनके लोएस्ट फॉर्म में ये बराबर नहीं आ सकते। जैसे हम इसको 5 से डिवाइड करने से चाहें, 5 10 या 15 और 5 3 या 15, यानी यहाँ 10:3 या 3:10 है, ठीक है। संख्या भले सेम है लेकिन रेशियो में अंतर है, इसलिए ये सेम नहीं हो सकते, ठीक है, यही बताना चाह रहे हैं। फिर है द मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू of one unit and then the value of the required number of units is known as the unitary method. Suppose the cost of 6 cans is ₹210 to find the cost of 4 cans using the unitary method. So, हमने unitary method इससे पहले जो एक वीडियो देखा था उसमें था कि 6 कौन की कीमत हमको बता दी, 4 कौन की पूछ रहे हैं, तो इसके लिए हम कैसे क्या करना होगा, पहले हमें unitary method से एक कैन की कीमत निकालनी होगी, फिर उसको और एक कीमत निकालने के लिए मल्टीप्लाई और ज्यादा कीमत निकालने के लिए सॉरी एक की निकालने के लिए डिवाइड, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, ठीक है। वी फर्स्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन कैन, इट इज ₹210/6 और ₹35। फॉर दिस वी फाइंड द प्राइस ऑफ 4 कैन्स आर 35 × 4 और ₹140। तो ये हम सवालों में भी कर चुके हैं, ठीक है, तो यही सब इसमें बताया था, ठीक है, इतना ही था इसमें। अब हमारा जो नया चैप्टर है सिमेट्री, नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, तब तक आप इसको एक बार और पढ़िए, समझिए, और कहीं कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज प्रैक्टिस खुद से इतना कीजिए, जहाँ से समझ आ रहा है वहाँ से चीज़ें समझ आएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।